और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैलाबी सितम की। गुजरात में इस समय आसमानी कहर बरप रहा है, मूसलाधार बारिश और बाढ़ में शहर के शहर डूब चुके हैं। न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मुश्किल हालात से जूझते हुए हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन पल पल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मौसम के कहर पर नवसारी से न्यूज स्टेट संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। आसमानी आफत, नवसारी में तूफानी बारिश, सड़कों पर सैलाब, लोगों का डूबा घर द्वार, छाती तक भरा पानी, डूबी डूबी से जिंदगानी। गुजरात में भारी तबाही, सितम है सैलाबी। मंदिर डूबा, आंगन डूबा, पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। नवसारी उन शहरों में से एक है जो लगभग जलमग्न हो चुका है। आसमानी आफत ने शहर की रफ्तार रोक दी है। लोग घरों के अंदर आधे डूबे हुए हैं। नवसारी में कई जगहों पर 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है और घर के बाहर निकलते ही गले तक डूब जाने की नौबत आ चुकी है। अचानक आए सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। न्यूज नेशन देश का पहला ऐसा चैनल है जो नवसारी के हालात दुनिया को ग्राउंड जीरो से बता रहा है, वो भी गले तक डूबकर। बकायदा मंदिर के अंदर टाइल्स लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, पहुँचते हैं, अपना काम काज करते हैं। क्या नाम है सर आपका? योगेश। योगेश भाई, ये बताइए कि ये कौन सा मंदिर है? संतोषी माता का मंदिर है। संतोषी माता मंदिर है। कितनी देर पहले यहाँ पे पानी भरा है? तो रात 1:30 बजे से, 2:30 बजे से चालू हो गया पानी भरना। अच्छा, तो कितना अभी क्या लग रहा है? नदी का पानी ये है और नदी का पानी जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है, खतरा और बढ़ेगा। वो तो है, खतरा। आप लोगों का घर भी पीछे है क्या? इसकी यही है घर अपना। आपका घर यहाँ पे, घर भी है कुछ लोगों के, वो घर भी डूबे हुए हैं। क्या सामान था? सब सामान बिगड़ गया, सब सामान खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया। बेड फ्रिज सब ऊपर चढ़ाना पड़ा अभी। अच्छा, बेड फ्रिज सब खराब हो गया। हाँ, ऊपर चढ़ाना पड़ा। हाँ, ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ लोगों ने ऊपर पनाह ली हुई है, उधर थोड़ा चले जाइए आप लोग। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, कुछ लोग हैं फर्स्ट फ्लोर पर वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अपना घर का सामान जो है फर्स्ट फ्लोर पे ले चुके हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में हम मौजूद हैं इस समय, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके अपनी रोजाना की पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। संतोषी माता मंदिर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस मंदिर के परिसर के अंदर हम इस समय है। यहाँ से होते हुए बड़ी संख्या में लोग सीधे मंदिर के अंदर जाते हैं। वहां पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पानी जो है यहाँ तक आ जाता है, कंधे तक पानी आ जाता है आगे। और आगे जो है मंदिर है उसमें ताला लगा दिया गया है, फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर ताला लगाया गया है। लेकिन लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे आके मंदिर के परिसर के अंदर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम जो है वो उठाया गया है। ये पूरा नवसारी का इसी तरह से हाल है। कहा यह जाता है, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के गवर्नर का घर भी है पास में ही, उनका मकान भी डूब गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है नवसारी में। और नवसारी में रुक रुक के बारिश हो रही है। यहाँ की जो नदी है वो इस समय उफान पर है और इसी वजह से वो पूरा का पूरा पानी जो है इस नवसारी के इलाके में आता है और यहाँ पर सब कुछ डुबो देता है। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और गहराई है, आगे और मकान डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये मंदिर का जो भव्य गेट है, दरवाजा है, ये पानी के नीचे है। गुंबद आप देख सकते हैं उधर साइड में, अगर आपको हम दिखाते हैं ये पताका देखिए, इतना बड़ा मंदिर है ये, लेकिन ये मंदिर भी जो है वो पानी में आ चुका है। तो लोगों के घर सोचिए क्या होंगे। इसके पीछे ही आपको पता है, इस मंदिर के पीछे ही बड़ी संख्या में घर है।
वहां पर तो जाना मुश्किल ही है, नामुमकिन है इस समय, क्योंकि पानी जब यहां पर इतना है, जरा सोचिए तो आगे का क्या हाल होगा। तो इस तरह से अभी पानी बढ़ता जा रहा है, ये सुबह पानी आया है नवसारी में, नवसारी में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। ग्राउंड जीरो पे न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जो यहां पे पहुंच करके आपको तस्वीरें दिखा रहा है। सूरत में हमने आपको दिखाया क्या हालात हो चुके हैं सूरत के, लेकिन नवसारी में और ज्यादा हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक जो है अलर्ट जारी किया गया है इस क्षेत्र में तेज बारिश के लिए, और मुमकिन है कि और अगर पानी लेवल बढ़ता है तो ये लेवल जो है सड़कों तक आ जाएगा और स्थिति खराब हो जाएगी। तो देखा आपने, संतोषी माता का मंदिर डूब चुका है, मंदिर का गेट भी बंद कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों से यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूर्णा नदी उफान पर है और उसका बैक वाटर नवसारी में आ जाता है, जिससे यहाँ बाढ़ के हालात बन जाते हैं। नदी का पानी कई दिनों तक नहीं उतरता है, इसलिए यह इलाका बारिश के दिनों में डूबा ही रहता है। गुजरात के नवसारी में पिछले 24 घंटे में 6 इंच, जलालपुर में 5.5 इंच, गढ़देवी में 5 इंच, चिखली में 4.5 इंच, बांसा में 7 इंच, खेरगांव में 10 इंच, डांग जिले के अहवा में 6 इंच, सापुतारा में 3.5 इंच, बघई में 7.5 इंच और सुबीर में 5 इंच बारिश दर्ज की गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से नवसारी के निचले इलाके डूब गए हैं। लोग घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इनके घरों की पहली मंजिल तक पानी आ पहुंचा है। प्रशासन की लाचारी की वजह से लोग पलायन को बेबस हैं। अगर हम यही चीज आपको सड़क से दिखाएं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक रिपोर्टर जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो लोग इस तरह से इम्पैक्ट है, जिनको इतना इम्पैक्ट पहुंचा है, उन तक हम उनकी बात पहुंचाए, वरना आपको ऊपरी ऊपर मसाला दिखेगा और पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम अंदर जाकर के लोगों से बातचीत करें। फिलहाल जो राशन पानी जो है, जो निचले इलाके हैं वहां पर पहुंचाया जा रहा है, सरकार मदद कर रही है, लेकिन उतनी मदद नहीं हो पा रही है जितनी मदद करनी चाहिए। मतलब नाव अगर सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बचाव के लिए जो नाव की जरूरत है उसको लाना, निकालना, बच्चों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, बूढ़ों को, उनको निकालना प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो नाव की संख्या है वो कम है। इसी तरीके से बीएमसी, जो कि लगातार हमने सवाल खड़े किए कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, नाव कम क्यों है, ऐसे तमाम सवाल न्यूज नेशन ने खड़े किए, तो वो रफ्तार धीरे धीरे बढ़ी। जब न्यूज नेशन ने लगातार उनको बोलने की कोशिश की तो रफ्तार बढ़ी, लेकिन ये सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से कोलैप्स हो जाते हैं जब इस तरह की बाढ़ बारिश आती है, तो तमाम नदियां उफान पे होती है और उस उफान के चक्कर में जो शहर में पानी है वो पूरा भर जाता है, तब काम आता है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से मजबूत है। अगर नहीं सिस्टम मजबूत है तो यही हाल होगा जो हम लगातार दिखाते चले आ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति नवसारी में है, अलग अलग जगहों पर और तस्वीरें भयावह है। लोग अपने घर को छोड़ करके बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर के अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। जरा सोचिए, हमारे फ्लैट में, आपके फ्लैट में जरा सा भी पानी या कीचड़ हो जाता है तो हम उसको साफ करने लग जाते हैं कि भैया पानी आ गया, यहाँ पूरा का पूरा घर ही पानी में डूबा हुआ है। तो जरा सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जो हर साल इस तरह की त्रासदी झेलते हैं, उनका हर साल इतना नुकसान होता है। तो ये स्थिति जो है कमोबेश हर जगह देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज नेशन एक ऐसा लौता चैनल है जो यहाँ पर नवसारी में पहुंचा है और इस मंदिर के हालात आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ना सिर्फ घर, ना सिर्फ दुकानें, ना सिर्फ झोपड़पट्टियां, बल्कि बड़े बड़े मंदिर भी जो है वो पानी में आ चुके हैं। इस तरह की त्रासदी जो है नवसारी ने इससे पहले अगर देखे तो 2006 में देखी थी, उसके बाद इस तरह की त्रासदी देखने को मिल रही है। हालांकि नवसारी एक ऐसा जिला है जहां पर आप देखेंगे बारिश बहुत ज्यादा होती है इस इलाके में, क्योंकि यहां पर और यही से पानी जो है सीधे सूरत जाता है और सूरत यहां से चली करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये पानी जो है सीधे सूरत की तरफ मूवमेंट करता है। जितना ज्यादा बरसात यहाँ होती है उतना ज्यादा सूरत में इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह के हालात इस समय है, मंदिर भी डूबे हैं, घर भी डूबे हैं, प्रशासन बचाने की कोशिश में है, सबको बाहर निकालने की कोशिश में है, लेकिन कितना और कितने लोगों तक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नवसारी गुजरात का प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, लेकिन इसकी सूरत बिगाड़ने के पीछे पूर्णा नदी है जो कई गांवों से गुजरती है, लेकिन जैसे ही ये नवसारी में घुसती है इसका बैक वाटर हिलोरे मारने लगता है। नतीजतन पूरा का पूरा नवसारी जलमग्न हो जाता है, रिहायशी इलाके डूब जाते हैं और ये कई दिनों तक ऐसा ही डूबे रहता है। और
आप तस्वीरें दिखाते हैं, थोड़ा सा हम अपने विजय सोमेंद्र जो कि लगातार हमारे साथ मूवमेंट कर रहे हैं और आपको ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, देश को ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, उनसे कहेंगे आसपास के घर भी दिखाते जरा किस तरह से घरों में पानी जो है वो डूबा हुआ है। आप तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, आगे जाकर के थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से घर जो है पानी में डूबे। यहाँ पे आप देखिए कुछ शख्स जो है वो पानी के अंदर जाना पड़ रहा है, उनको अगर घर जाना है तो रोड से अगर वो घर जाते हैं तो वो सीधे देखिए पानी में, इतने पानी में कमर के ऊपर तक पानी में जाना पड़ता है उनको घर। फर्स्ट फ्लोर पे उनका जो घर है, ग्राउंड फ्लोर पे जो घर है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। वो पानी में डूबा इसलिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे अपनी पना ली हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे वो मजबूरी में रह रहे हैं और जितना घर का सामान है वो सब पानी में चला गया है। ये सुबह की घटना है, सुबह के वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पे पानी जम गया और यहाँ पर से अब ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति जो है भयावह है, अभी पानी और बढ़ सकता है। अगर इसी तरीके से पानी बढ़ता चला गया तो स्थिति और भयावह हो जाएगी, जनजीवन और अस्त व्यस्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के नवसारी है ये इलाका, नवसारी में इसी तरह की स्थिति जो है बनी हुई है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, सड़कों पर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, सुरक्षित इलाकों में प्रशासन ने पहुंचाने की बात कही है। लेकिन अभी और इलाकों में हम जाएंगे, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि इस बाढ़ त्रासदी से कितना ज्यादा नुकसान और कितना ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है हर शहर की, वो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी अगर इतना पानी है तो जरा सोचिए, अभी तो अगस्त बाकी है, अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त बाकी है। अगर अगस्त में भी बरसात इसी तरह की होती रही तो जरा सोचिए क्या होगा। कुछ लोग देखिए वहां बैठे हुए हैं, कुर्सी पे डाले हुए, क्योंकि उनका पूरा मकान जो है डूब चुका है। और इसी तरह से इसी बेल्ट में कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। इस तरह का लगातार जो सिस्टम है पूरी तरीके से आपको नवसारी में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां पे आप देखिए कुछ लोग अपने चेयर को बाहर निकाल करके बैठे हुए हैं, इस त्रासदी को अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके पास भी चलेंगे, आखिर ये पानी लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है कि इस तरह की त्रासदी नवसारी को हर बार झेलने को मिलती है। और यहाँ पर प्रशासन जो है वो लगातार अपनी मोटर बोट्स और तमाम चीजों को जो है निकाल चुका है। आप देखिए झोपड़पट्टी गरीबों के किस तरह से उजड़ चुके हैं, पानी अंदर तक पहुंच चुका है। अलमारी की दुकानें हैं, तमाम परचून की दुकानें हैं वो तहस नहस हो चुकी हैं। तो कोशिश है हमारी उन लोगों की, देखिए एक महिला जो है वो सीढ़ियों से उतर रही है, नीचे पानी है। ऐसी स्थिति जो है खास तौर पे यहाँ के जो लोग हैं जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं उन तक भी ये स्थिति हो चुकी है। हम मंदिर से निकल करके कुछ लोगों के पास आगे बातचीत करने के। क्या नाम है आपका? मुल्ला राम। मुल्ला राम जी, कब पानी आया आपके इस घर में? सुबह सात बजे आ गया। ये पहाड़ से पानी कहाँ से आता है? ये मेरे को इतना मालूम नहीं है। मालूम नहीं है ये पानी कहाँ से आ गया, इनको भी नहीं पता है कि इस जगह से पानी कहाँ से आ गया है। ये देखिए अपना सामान सुरक्षित करते हुए अपना बक्सा जो है, वो शख्स जो है अपना बक्सा सही तरीके से अलमारी के ऊपर रख रहा है। इस वक्त नवसारी में सबसे ज्यादा चोट गरीबों पर पड़ी है। बाढ़ में उनके घर का सारा सामान डूब चुका है। नीचे पानी ज्यादा होने की वजह से बेचारे गरीब झुग्गी झोपड़ी के खप्पर पर बैठने को मजबूर हैं। वो दाने दाने को मोहताज। नवसारी में जल कर्फ्यू सा लगा है, प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है और गरीब बेचारे अपनी किस्मत के भरोसे बैठे। तस्वीरें नवसारी का दर्द खुद बयां कर रही हैं। यहाँ हालात बिगड़े हुए हैं, यहाँ मंजर दर्दनाक है। शहर के अंदर पानी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार सुबह अचानक आया पानी अब कहर बरपाने लगा है। लोग परेशान हैं, वो आधे डूबे रहने को मजबूर हैं। पानी, बरसात और बाढ़ जिस तरह से लगातार पूरे गुजरात को घिरे हुए है, नवसारी में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस समय हम नवसारी में मौजूद हैं और आपको कुछ बुजुर्ग दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बुजुर्ग कितने पानी में इनको गुजरना पड़ रहा है। अपना पीछे घर देखिए, उनका घर है पीछे और वो घर छोड़ करके बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा शख्स देखिए, यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से वो दूसरा शख्स भी जो है उसका मकान डूबा हुआ है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आगे खतरा है और ये जितने पानी में डूबे हुए हैं इनको ज्यादा पता है, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि कितना पानी आ गया आप लोग के? कमर से ऊपर आ गया। अच्छा, घर डूबा हुआ है? घर डूबा हुआ, पूरा डूबा हुआ।
तो कितनी बजे पानी आया? 7 बजे सुबह में आ गया, अचानक पानी आ गया, सामान भी भीगा गया सब। क्या क्या खराब हुआ आपका? अनाज अनाज पानी तेल सब खराब हो गया, पानी अंदर घुस गया, क्या करे, गाडला हाडला ले लिया। जब पानी आ रहा था पता चला था आपको? ना ना, अचानक आया था वो तो मालूम था, लेकिन अचानक ऊपर आ गया पानी, सामान नहीं निकल पाए। सामान नहीं निकल पाए। इसी तरीके से बुजुर्ग हैं, ये देखिए, इन बुजुर्गों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से अगर ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर इनका पैर स्लिप हुआ, चोट लगी, तो कुछ भी हो सकता है, खतरा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कोई प्रशासन का आया है क्या? ना, अभी आया था ना वो, हमारा नगर पालिका का वो सारा उत्साह आया ना, आया। बच्चों के लिए भी खतरा काफी ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है, पानी ज्यादा हो गया तो बच्चों के लिए भी खतरा काफी ज्यादा है। देखिए, मेरा हाथ पकड़िए जरा, पता नहीं आगे कितना गड्ढा है, क्या है, कैसा है। ये स्थिति पूरे इलाके की है, नवसारी की और लोकेशंस पे हम जाएंगे और ग्राउंड जीरो आपको दिखाएंगे कि असल में नवसारी में जल तांडव कितना कहर बरपा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं एमपी की। मध्य प्रदेश के कई जिले भारी बारिश से नदी नाले भी यहां पर उफान पर है। जगह जगह नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पन्ना जिले की। ग्रामीण इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसी बीच तेज बहाव में कार भी बह गई। गनीमत रही कि कार सवार वक्त रहते बाहर निकल आया, जिसके बाद लोगों ने कार को रस्सी से बाहर निकालने की कोशिश भी की। और चलिए पन्ना की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाढ़ के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं। लोग बाइक कंधों पर उठाकर रास्ता पार करते हुए नजर आए हैं। ये देखिए आप तस्वीर, ये पन्ना की सामने आ रही है। यहाँ पर जलस्तर भी डैम का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। और एमपी के जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी भारी बारिश के चलते नर्मदा में बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। बरगी बांध के गेट खोलने की भी नौबत कभी भी आ सकती है। तस्वीरों को आप देखें, यहां पर इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक अमला समेत टीम भी अलर्ट मोड पर है। घाट के पास जाने से लोगों को मना किया जा रहा है। घाटों पर लगी दुकानों को भी दुकानदारों ने समेट लिया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल आपको बता दें, बरगी बांध ओवरफ्लो पर है और कभी भी यहां डैम के गेट जो है खोले जा सकते हैं। 15 ऐसे गेट हैं जिन्हें खोला जाएगा। और आगर मालवा में कई दिनों से अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। शनिवार को जिले में सुबह से ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हुआ। अच्छी बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल गए। जिले में इस साल अब तक मानसून अवधि में 352.5 mm औसत बारिश भी दर्ज की गई है। और गुना के पाटी गांव में सड़क न होने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में यहां सड़क न होने से ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। दरअसल सरपंच के पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए बड़ी ही मुश्किल से यहां से ले जाया गया। शव को ले जाने का वीडियो भी सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से यहां सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ 4 महीने बरसात के मौसम में, 4 महीने जो अपने जो ये गांव से शमशान घाट तक जो रास्ता है, बिल्कुल यही कंडीशन है। कोई भी आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको लाने ले जाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। बहुत से तो जितने भी हमारे रिश्तेदार आते हैं, वो लोग आते हैं, गिर जाते हैं इसमें कीचड़ में। हमने कई बार जिला पंचायत को अवगत कराया, वहाँ प्रस्ताव भेजा, जिला वहाँ अपने गुना भेजा, जिला पंचायत में विकास मेमोरी को भेजा, सरपंच को भेजा। 10 बार जितने भी नेता आते हैं अपने यहाँ गांव पर, झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। यही स्थिति है। अतः श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि हमारे गांव की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।